राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परिधिस बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है बांके बिहारी श्री कृष्ण से, देखो जो भी सच है मुझे बता दो, दाऊ को तो तुम बता चुके हो, अब तुम्हें मुझे भी बताना होगा। और फिर तभी बांके कहते हैं, समझाने वाली बात बताई कैसे जाती है राधा जी। और तभी दंत वक्र और असुर गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे दंत वक्र कहता है कि मेरे साथ गुरु शुक्राचार्य की शक्ति है। और गुरु शुक्राचार्य भी कहते हैं अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। और फिर तभी बांके के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करते हैं और तभी दाऊ वहां पे आ जाते हैं और शक्ति को रोकते हैं। और फिर दाऊ बांके से कहते हैं कि ऐसे ही देखते मत रहो, आक्रमण करो शत्रु पर। और फिर तभी बांके कहते हैं मेरा कार्य तो ये नहीं है। और कहते हैं जिसका कार्य है वही करेगा। और फिर दाऊ कहते हैं तो फिर किसका कार्य है। और फिर बांके बताते हैं प्रेम का, कृष्ण का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण वहां आ जाते हैं और सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और राधा कृष्ण को देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और असुर गुरु कहते हैं कृष्ण लौटकर कैसे आ गया, असंभव है ये। और फिर तभी कृष्ण बताते हैं प्रेम से संभव है शुक्राचार्य, मैंने कहा था विजय केवल प्रेम की होगी, जहाँ राधा है जहाँ प्रेम है वहाँ मैं रहूंगा। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम पर विश्वास है और मुझे मेरी असुरी शक्तियों पर, और मैं इन्हीं असुरी शक्तियों से तुम्हें एक दिन जरूर पराजित करूंगा। और कहते हैं दंत वक्र तुमने अत्यंत विलंब कर दिया, अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। और गुरु शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। और तभी दंत वक्र कहता है गुरु मुझे छोड़कर मत जाइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे दंत वक्र कहता है नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते कृष्ण, गुरुदेव चले गए तो क्या हुआ, मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं मुझसे युद्ध करके अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो विजय। और कहते हैं तुम्हारे भ्राता जय वैकुंठ में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे नहीं मिलना। और फिर तभी दंत वक्र कहता है इसका अर्थ जो बांके ने कहा वो सत्य है। और फिर कृष्ण कहते हैं 100% सत्य है। और बताते हैं ये असुर रूप में तुम्हारा अंतिम जन्म है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे दंत वक्र कहता है क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे दंत वक्र क्षमा मांगता और कहता मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, वासुदेव श्री कृष्ण मुझे मुक्त कर दीजिए। और फिर तभी कृष्ण सुदर्शन का आह्वान करके दंत वक्र को मुक्त कर देते हैं। और फिर तभी दंत वक्र विजय के रूप में पुनः वैकुंठ लौट जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के गले लग जाती हैं और कहती हैं तुम आ गए, ये कैसे हुआ। और कहती हैं राधा कितना लंबा विरह था, कभी कभी तो लगता था कि तुम लौट कर ही नहीं आओगे, इतने समय के लिए अकेला कर दिया तुमने मुझे। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं ऐसे कैसे, पहले अपने आंसू पोंछो, वैसे ये बात कैसे कह सकती हो तुम, तुम्हारे साथ बांके नहीं था, उसने ही तो मुझे पुनः लाया है। और फिर तभी राधा कहती है इस बांके ने तो बहुत कपट किया मेरे साथ, बार बार सहायता का आश्वासन देकर छला है मुझे। और कहती है अब तुम आ गए हो ना, अब मैं इससे प्रतिकार लूंगी। और फिर तभी राधा देखती है सभी हंसने लगते हैं। और फिर राधा कहती है आप सब हंस क्यों रहे हैं। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं राधा मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तुम्हें सत्य बता दे, परंतु तुम्हें कोई सत्य बता ही नहीं रहा है, बस बातों को उलझाया ही जा रहा है यहाँ। और मित्रों, फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण कृष्ण में समा जाते हैं। और ये राधा देखकर कहती हैं कृष्ण तो पाषाण की प्रतिमा बन गया था, फिर वो बांके। और फिर कृष्ण बताते हैं तुम ही तो कहती हो कृष्ण तो कण कण में है, क्यों। और फिर राधा कहती है तुम तो सदैव भी मेरे साथ ऐसा करते हो। और कहती है ये कोई खेल नहीं है, कृष्ण छल है, क्यों किया ऐसा मेरे साथ। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं पहले मेरी बात तो सुन लो, इस सारे समय में तुमने अत्यंत कठिन तपस्या की है राधा, और इस घटना ने तुम्हें
सृष्टि की सबसे बड़ी साधिका बना दिया है। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण प्रेमिका से, तुम तपस्विनी बन चुकी हो राधा। और फिर राधा कहती है, अच्छा तो इसलिए तुमने उस दिन कहा था कि घटना के अंत में मेरी भक्ति सदैव के लिए अमर हो जाएगी, किंतु क्यों कृष्ण? और फिर तभी कृष्ण बताते हैं, तुम्हारे प्रेम से बना वो रूप बाके बिहारी है राधा, वो मेरा ही रूप है, बस तुम पहचान नहीं पाई और वहीं से तुम्हारी कठिन साधना की यात्रा आरंभ हुई। अनेक कष्ट भोगे तुमने राधा, अनेक संकट आए तुम्हारे समक्ष, किंतु तुम रुकी नहीं और अंत में तुमने मुझे पा लिया। तुम संसार के लिए उदाहरण बन चुकी हो राधा। वैसे तो मैं संसार के कण कण में बसता हूँ, हर एक प्राणी में बास करता हूँ, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, मुझे पाने के लिए वैसे ही तपस्या करनी होगी जैसे तुमने की, वैसे ही भक्ति करनी होगी जैसे तुमने की। संकट आते रहेंगे किंतु भक्ति पे विश्वास अड़िग रहेगा तो मैं आऊंगा। और फिर तभी राधा कहती है, अगर ऐसा है तो हमारे प्रेम का क्या होगा कृष्ण? क्या एक भक्त प्रेमिका कहला सकती है? यदि नहीं तो मैं तुम्हारी प्रेमिका ही रहना चाहती हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, राधा सच्ची साधना प्रेम का ही प्रतिरूप है, प्रेम होता है तभी भक्ति होती है, क्या तुम्हें अब भी मेरी भक्त नहीं कहलाना है? और फिर तभी राधा कहती है, हाँ कृष्ण यदि ऐसा है तो मैं अवश्य ही तुम्हारी भक्त कहलाना चाहूंगी। और फिर कृष्ण राधा से कहते हैं, तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने ही बांके बिहारी आया था। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं, राधा कृष्ण का युगल रूप है बांके बिहारी, और इस रूप में राधा कृष्ण सदा साथ रहेंगे। जब बांके बिहारी की पूजा की जाएगी तो राधा कृष्ण को साथ में पूजा जाएगा, और इस संसार में जो भी बांके बिहारी को स्मरण करेगा उसे प्रेम के साथ साथ भक्ति भी प्राप्त होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण देवी पार्वती और महादेव से मिलने जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण महादेव और देवी पार्वती से वचन के लिए बोलते हैं कि एक वचन है, एक बहुत बड़ा वचन, अत्यंत आवश्यक है इसे पूर्ण करना, उतना ही आवश्यक है जितना कृष्ण का राधा के साथ रहना आवश्यक है। और फिर महादेव कहते हैं, कहिए आराध्य। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि अधिक समय हो चुका है महादेव, आप अपने भक्तों से नहीं मिले, तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।